की सात मंडलियों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इन सात मंडलियों में से निर्णायक मंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय में पांच मंडलियों को चयनित किया गया है। ये पांचों मंडलियां हमारे सेमीफाइनल में परसों 30 तारीख को फिर से आमंत्रित हैं। अंकों के अनुसार जो भी मंडलियों का चयन हुआ है उसमें मैं पांचों मंडलियों का नाम बारी बारी ले रहा हूं। जो भी मंडली उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं वो सुन लें, और जो नहीं हैं उनको भी सूचना मिल जानी चाहिए। पहले बाल संकीर्तन मंडली भच्छी मधुबनी, आप परसों के लिए आप लोग चयनित हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। और जो भी लोग आज चयन हुए हैं कम से कम उनके समर्थन में तालियां इस तरह बजनी चाहिए, ये हौसलावर्धन होता है, उत्साहवर्धन होता है। दूसरे पर श्री बजरंग संकीर्तन मंडली मरनैया लदनिया, श्री बजरंग संकीर्तन मंडली मरनैया लदनिया। तीसरे नंबर पर श्री राम जानकी संकीर्तन मंडली कुमरखत लदनिया। चौथे निराला संकीर्तन मंडली गढ़ी टोल जयनगर, एवं पांचवे नंबर पर जय मां शारदे संकीर्तन मंडली विष्णुपुर खाजेडी। मैं आशा करता हूं हमारे मंडली के काफी लोग हैं जिनकी जानकारी में मिल गया है, और आपस में एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं लोग, कोशिश कीजिए जो नहीं है उन तक भी ये खबर पहुंचा देंगे। परसों के लिए आज की पांच मंडलियां फिर से आमंत्रित हैं सेमीफाइनल में। कार्यक्रम के प्रतिदिन का आरंभ 5 बजे से होता है। समय का पालन करने हेतु कभी कभी हमें अपनी लोकल टीम को ज़्यादा समय देना पड़ता है, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है जो भी लोग आते हैं फिर से कार्यक्रम में जिस दिन के लिए वो इसमें भागीदारी लेते हैं वो सभी लोग आकर पहले कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लें। इससे क्या है कि कार्यक्रम में भी अंक आगे पहले नंबर मिलेगा और यहाँ जानकारी मिल जाएगी। कई मंडली आती हैं घूम रही हैं, कार्यक्रम शुरू है, चलो ना जब देना होगा तो नाम लिखा देंगे, और उस समय जल्दबाजी दिखाती हैं कि हमको जाना है मोटरसाइकिल से काफ़ी दूर, तो हम लोग भी उहापोह में पड़ जाते हैं, व्यवस्था गड़बड़ होने लगती है। तो इन सब बातों में आपका सहयोग जितना अच्छा हमें बने मिलेगा हम इस कार्यक्रम को उतने सुगठित रूप से चलाएंगे। इसी तरह आप लोगों से इन्हीं आशाओं के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री सीताराम। है मंडली अतिथि दर्शकों में से भी जो भोजन करने के इच्छुक हैं या बाकी रह गए हों, हमारे भंडार गृह में भोजन पर्याप्त मात्रा में प्रसाद यहाँ बनता है, आप सभी लोग भोजन कर लें, यहाँ से भूखा कोई न जाए। यहाँ तक कि आसपास मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है, जो भी इस परिसर के बाहर भी जो भी भूखे हों रात में भूखे न सोएं, यहाँ भोजन का प्रबंध है, आप सभी लोग भोजन करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।